الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد मिलत इस्लामी के नौजवानों और पर्दा नशी खवातीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की रात हर किस्म की तारीफ और तौसीफ और मेरी और आप सभी हजरात की हर तरह की इबादत और बंदगी हमारी और आपकी हर एक इबादत और हमारी और आपकी हर एक रियासत की अकेली और तनहा मुस्तहिक ज़ात है जिसकी बंदगी मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है और इसकी बंदगी में हमारी ज़िंदगी का गुजरना हमारा सबसे बड़ा कमाल है सबसे बड़ा कारनामा है दरूद सलाम को नबी आखिरुज़्ज़माना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाते गिरामी पर जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको दीन इस्लाम की नेमत से मालामाल फरमाया एक अच्छा दीन एक मिसाली दीन और अल्लाह का सबसे पसंदीदा दीन हम और आपको नसीब फरमाया एक ऐसा दीन जो हमारी और आपकी दुनिया को भी सुधारता संवारता है हमारी रहनुमाई दुनिया के मामलात में भी करता है एक ऐसा दीन जो अल्लाह तबारक व तआला के पास आखिरत में कामयाबी और कामरानी की अकेली जमानत है हाजिर जुमा आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक मर्ज एक वबा आम है और उस वबा के चलते इंसानों के सामने माशरे के लोगों के सामने तरह तरह के मसाइल मुंह खोले खड़े हुए पिछले 3 माह का अरसा हमने जिस तरह अलग अलग किस्म के हालात का सामना किया वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है
आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस वक्त हमारे अपने मुल्क के अंदर जिन शहरों में इस बीमारी का जोर बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन और ज्यादा उसमें इजाफा हो रहा है, उनमें से आपका अपना ये शहर भी है। बीमारी का ये बढ़ता हुआ जोर, बीमारी का इस तरह बढ़ना कि रोजाना सैकड़ों की तादाद में बल्कि लगभग 1,000 के करीब तादाद पहुंच रही है, मुल्क के तूलो अर्ज में इस बीमारी का बढ़ना, ये समाज को पेश आने वाला एक मुश्किल मामला है, एक परेशान सूरत हाल है। हम और आप मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला पर है, हमारा ये ईमान है कि नफा नुकसान के सारे मामलात, सारे फैसले अल्लाह ताला ही के हाथ में हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हम और आपको ये अकीदा दिया, ये सिखलाया बतलाया है कि देखो सारी दुनिया एक हो जाए और सब मिलकर तुम्हें थोड़ा भी नफा पहुंचाना चाहे वो नफा नहीं पहुंचा सकते, इलाही के अंदर तुम्हारी तकदीर में लिख के रखा हो, और वही सारी दुनिया वाले मिलकर तुम्हारा नुकसान करना चाहे कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, इलाही के अंदर ने तुम्हारे नसीब में वो बात लिख कर रखी। इस्लामी शरीयत हम और आपको जहां ये ईमान और अकीदे वाला मुसलमान बनाती है, वहीं ऐसे हालात का मुकाबला कैसे किया जाए, इस बिगड़ती सूरत हाल में मुसलमान की हैसियत से हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, ये इस्लाम हम और आपको सिखाता बतलाता है। याद रखिए एक बात, मुसलमान के बारे में ये तस्वीर कभी नहीं हो सकता कि समाज और माशरे में होने वाले जो भी वाकियात और हादिसात होते हैं वो उनको सिर्फ दूर से बैठकर देखता है, तमाशाई की तरह उन पर नजर रखता है, उस पर कमेंट करता है, तबसरा करता है और फिर अपने घर चला जाता है। मुसलमान ऐसा नहीं हुआ करता, मुसलमान ये कोशिश करता है कि मेरी तरफ से समाज में जो खैर हो रहा है उस खैर में इजाफा होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए, मैं समाज की जितनी बेहतरी के लिए कोशिश कर सकता हूं मैं करूंगा, और समाज में अगर नुकसान हो रहा है तो मैं उस नुकसान को घटाऊंगा। आखिरी दर्जा यह होगा कि कम से कम मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। एक मुसलमान की हैसियत से हम और आपको यह मसला समझना चाहिए। हाजिर गिरामी, इस वक्त ये जो सूरत हाल हमारे और आपके सामने, बीमारी का ये बढ़ता जोर और उससे पैदा होने वाले मसाइल, ये मुझसे और आपसे कुछ बातों का तकाजा करते हैं, कुछ बातें हैं जिनका हम और आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम मुझको और आपको सिखलाता बतलाता है। आज इस खुतबे में आपके सामने मैं 2 से 3 अहम बातों की तरफ से इशारा करना चाहता हूं कि जिनकी तरफ हमें फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। उनमें सबसे पहली बात की कि आप हमारे अपने समाज के, चाहे मुसलमान हो कि या समाज के गैर मुस्लिम अफराद हो, उनको यह हकीकत समझाएं और बताएं कि अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब यह है कि असबाब इख्तियार करके अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया जाए। यह गलत तसव्वुर है बाद मुसलमानों के अंदर, यह गलत मफहूम है बाद मुसलमानों के जहनों में कि अल्लाह पर हमारा भरोसा है तो हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी का लिहाज नहीं करेंगे, किसी किस्म के असबाब के इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होगी। ये गलत, आप इस्लामी शरीयत पढ़कर देखिए, कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने यह हम और आपको सिखलाया और बतलाया है कि मुसलमान सबब इख्तियार करता है लेकिन सबब पे भरोसा नहीं करता, सबब इख्तियार करता है लेकिन सबब पे भरोसा नहीं करता। मुसलमान ऐसा नहीं होता जो सबब इख्तियार किए बगैर अल्लाह पे भरोसा करे। तवक्कुल ये है कि बंदा सबब इख्तियार करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया, कहा अल्लाह ताला ने वशारा बिरहुम फिल अमर फइला अज़ल्ता फतवक्कल अल्लाह। अल्लाह के नबी अपने साथियों से मशवरे किया कि आपको जो भी मामला दरपेश होता है, जो भी मसला सामने आता है, उस मसले के हल निकालने के लिए आप मशवरा कीजिए अपने साथियों से, और जब मशवरा कर लें जो बात सबसे करीब लगे, करीब कयास लगे, उसको आप मुंतखब कर लें, और जब एक मरतबा फैसला लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए।
अगर तवक्कुल का मतलब सबब इख्तियार नहीं करना होता तो नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा करने की जरूरत नहीं होती। आपको कहा जाता अल्लाह पे भरोसा कीजिए चलते जाइए, नहीं, आप पहले मशवरा कीजिए, सहाबा से मशवरा करके सही फैसला कीजिए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए। यही बात। दूसरी बात कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मामले में अपनी इख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हिजरत, आप सोचें अल्लाह ताला नबी की मदद नहीं करेगा तो किसकी मदद करेगा, लेकिन क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद करके निकल जाना पसंद किया, मक्का से निकले सीधे मदीने के रास्ते चले गए? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में जाकर छुप गए, तीन दिन तक अल्लाह के नबी छुपे रहे। तीन दिन के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले, मदीने का जो आम रास्ता था उस रास्ते अल्लाह के नबी नहीं चले, कभी उस रास्ते से दाएं तरफ तराबूरी से चलते, कभी बाएं तरफ चलते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे असबाब इख्तियार किए। अल्लाह ताला पे भरोसा नबी से ज्यादा किसको हो सकता है? सबब इख्तियार करो कि सबब इख्तियार करके अल्लाह पे भरोसा किया जाता है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन तिर्मिज़ी और इब्न हिब्बान वगैरह की रिवायत में यह बात आई है, एक आदमी आया कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी अपनी ऊँटनी है, अपनी ऊँटनी को बांध दो और अल्लाह पे भरोसा करो, या फिर ये कि उसको खुदा छोड़ के अल्लाह ताला पे भरोसा करो, मेरी ऊँटनी की हिफाजत अल्लाह करेगा, मुझे भरोसा अल्लाह पे, अब ये भरोसा मैं अल्लाह पे करूं और भरोसे की बुनियाद पर ऊँट को खुदा छोड़ दो, या फिर ये कि मैं ऊँट को बांध दू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इक्तिल्ला व तवक्कल अला अल्लाह, तुम अपने ऊँट को बांधो पहले, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पे भरोसा करो। सबब इख्तियार करो अल्लाह के बंदो। याद रखो, अगर आपकी मेरी बदेहतियाती की वजह से अगर किसी आदमी की जान जाती, किसी आदमी तक मरज पहुंचता है, उसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है, हम अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे इस मामला? ये सोच सही नहीं है कि अल्लाह पे हमारा भरोसा है, अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा होगा वो होता रहेगा, नहीं। इस्लाम कहता है भरोसा करो अल्लाह ही पे, भरोसा करो अल्लाह ही की मर्जी से सब होगा, लेकिन तुम्हें हुक्म है कि तुम दुनिया के असबाब इख्तियार करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया। यमन से कुछ लोग हज करने के लिए आते थे तो उनकी एक आदत थी कि घर से निकल जाते, ज्यादा सफर पोशा सामान साथ में लेकर नहीं निकलते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई, देखा कोई सब्जो सामान उनके पास नहीं, पूछा क्या मसला है, कहां से आए? यमन से आए। कहा कोई सब्जो सामान की वजह क्या है? कहा हम अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले हैं, हमें अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह खिलाएगा पिलाएगा, हमें अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह खिलाएगा पिलाएगा, हम तवक्कुल करने वाले हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे मुखातब होते हुए कहा कि बल अंतुम मिनल मुतवाकिलीन, तुम अल्लाह पे भरोसा करने वाले नहीं, लोगों के रहमो करम पे जीने वाले हो। तुम्हारा भरोसा अल्लाह पे नहीं, तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले लोग नहीं, तुम लोगों के माल पे नजर रखकर जीने वाले लोग हो। भरोसा करने वाला वो होता है जो जमीन में बीज बोता है फिर अल्लाह पे भरोसा करता है। आसमान से कोई रिस्क बरसता नहीं है, आसमान से सोना चांदी नहीं बरसता। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को यह समझाया सिखाया। हाजिरी गिरामी, पैगाम जो आप हजरात को देना चाहता हूं वही, आप हजरात इस दुनिया के अंदर जीते हैं तो आप इस दुनिया को दारुल असबाब समझिए। अल्लाह ताला ने यहां खैर और शर के मामला को असबाब से जोड़ कर रखा। खैर के आने के लिए भी असबाब हैं, शर से बचने के लिए भी असबाब हैं, फायदा हासिल करने के भी असबाब हैं, नुकसान से बचने के भी असबाब हैं। असबाब इख्तियार करो और फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करो। याद रखो, जहां तक तवक्कुल की बात है, सबब इख्तियार करने से पहले भी अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, सबब इख्तियार करते हुए भी अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, सबब इख्तियार करने के बाद भी अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन सबब को छोड़ देना ये बड़ी गुमराही है, ये सूफिया की गुमराही थी। बाद सूफिया जरा ये कहते थे कि हम अल्लाह पे भरोसा इसलिए हम असबाब इख्तियार नहीं करेंगे। इस्लामी शरीयत ने आपको इस किस्म की बात नहीं सिखाई। अल इल्म ने बड़ी पते की बात कही है, ये जाबिता, ये बात आप याद रखें, जिंदगी भर काम आएगी।
अनहिंद लिखा है, सबब इख्तियार करना इबादत है और सबब पे भरोसा कर लेना शिर्क है। सबब इख्तियार करना इबादत है और सबब पे भरोसा कर लेना ये शिर्क है। मुसलमान इबादत भी करने वाला होता है और मुसलमान शिर्क से परहेज करने वाला भी होता है। सबब भी इख्तियार करो और अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा रखो, ये भी और आपकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। बतलाइए सिखलाइए, ये आम तासुर ये है कि इस मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम एहतियात कर रहे हैं, मुसलमान एहतियात नहीं कर रहे और इनकी बद एहतियाती की वजह से ये मर्ज फैलता जा रहा है। खामखा की बदनामी मोल लेने की वजह क्या है? हाँ, मेरे इस्लामी शरीयत की नजर में ऐसी कोई तालीम होती कि आप सबब न इख्तियार करें तो फिर आपका एहतियात न करना सही होता, लेकिन जब इस्लाम ने यह सिखाया है कि आप अपने असबाब इख्तियार करें तो असबाब को छोड़कर बद एहतियाती करना ये मुसलमान का शिवा नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है जो इस हवाले से मुझे और मुझे आप हजरात के सामने रखनी है कि इन हालात में, इस बढ़ती हुई मर्ज की सूरत हाल में सबब इख्तियार करो और सबब इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला पे भरोसा करने वाले लोगों। आजी निगरानी, इस हवाले से दूसरी बात जो मुझे आप हजरात के सामने कहनी है वो ये कि याद रखो, दुनिया के अंदर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, अमराज आते हैं, परेशानियां आती हैं, इनके पीछे हमारे और आपके गुनाह बहुत बड़ा सबब हुआ करते हैं। जिंदगी में जितनी भी आजमाइशें आए, तकलीफें आए, बीमारियां आए, आदमी को सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है कसरत से तौबा और इस्तिगफार। हमारी और आपकी जिंदगी में तौबा और इस्तिगफार की कमी हमारी जिंदगी में आजमाइशों का सबसे बड़ा सबब है, हमारी जिंदगी में मसाइल का सबसे बड़ा सबब है, हमारी जिंदगी में मुश्किलात का सबसे बड़ा सबब है। जिस कदर मर्ज की शिद्दत बढ़ रही है, हमारे तौबा और इस्तिगफार में भी उसी कदर इजाफा होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा, दूसरी रिवायत के मुताबिक एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह के सामने इस्तिगफार किया करते नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे अल्लाह ने माफ कर दिए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करते, तौबा किया करते थे। अल्लाह के नबी ने खुद अपने बारे में बयान किया। आप जरा सोचो, जिनका अगला पिछला हिसाब साफ हो, वो अगर दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करते हो तो मेरे और आपके जैसा गुनहगार इंसान किस हद तक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का मोहताज है। वाकई आज हमारा अपना एहसास इस हैसियत से भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है कि हम इन गुनाहों के असबाब, आप बताइए कितने लोग हैं जो आज भी इस बीमारी के पीछे असबाब तलाश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं फुला मुल्क ने ये साजिश की है, फुला इदारे ने साजिश की है, WHO ने, इदारे सेहत ने उसके पीछे साजिश की है, फुला ने की। हम ऐसे तबसरों में तो वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन क्या उसी हद तक हम इस्तिगफार कर रहे हैं? चाहे किसी और की तरफ से पैदा किया गया या दाखिल किया गया या साजिश के तौर पर लाया गया मर्ज क्यों ना हो, लेकिन याद रखो अल्लाह तबारक व तआला किसी के जरिए भी ये काम ले सकता है कि हमारे गुनाहों की सजा हम और आपको दे रहा है। इसलिए कसरत से तौबा और इस्तिगफार करो, कसरत से तौबा और इस्तिगफार करो। गिड़गिड़ाओ अपनी नमाजों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने अपने मुकाम पे चलते फिरते फिरते अपनी जबान को हमेशा इस्तिगफार से तर रखो, इसलिए कि इस्तिगफार सारी बीमारियों का इलाज है, सारी मुसीबतों का इलाज है। कसरत से तौबा और इस्तिगफार के लिए और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। भाइयों, मर्ज जिस कदर बढ़ रहा है, इस्तिगफार भी उसी कदर बढ़ना चाहिए। यहां तक कि मेरा और आपका इस्तिगफार इस मर्ज को शिकस्त दे दे, मेरा और आपका इस्तिगफार इस मर्ज को पीछे ढकेल दे। हम जिस कदर इस्तिगफार करेंगे उसी कदर ज्यादा हमारी ताकत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला की तरफ से मेरी और आपकी हिफाजत का इंतजाम होगा। कसरत से इस्तिगफार करो। हमारी और आपकी जिंदगी में इस्तिगफार की कमी इस वक्त का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम आपको पहली फुर्सत में तवज्जो देना चाहिए, इस पहली फुर्सत में जिसको संभालने की जरूरत है। तीसरी बात जो मुझे आपके सामने इस हवाले से कहनी है वो ये कि याद रखो, दुआ अल्लाह तबारक व तआला के पास नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। आदमी दुनिया के अंदर तदबीर करता है और इस्लाम ने कहा है कि आपको तदबीर करना चाहिए, बगैर तदबीर की ये दुनिया नहीं चलती।
आप बीमार हैं दवाई लीजिए, आप किसी मुश्किल से दो चार हैं उस मुश्किल से निकलने के रास्ते को अपनाइए, तदबीर कीजिए, लेकिन आपकी तदबीर को कामयाब बनाने के लिए, आपको अपने तकदीर के फैसले बदलवाने के लिए अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह ताला के सामने दुआएं करना चाहिए। आदमी और आपकी जिंदगी में दुआओं का भी बड़ा, दुआओं की भी बड़ी गति, हम और आप बहुत कम दुआ करते हैं। आपको पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर आप देखें, और सिर्फ अल्लाह के नबी की बात नहीं, सारे अंबिया की जिंदगी में आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा नुमाया खसूसियात जो अंबिया की सीरत में मिलती है वो कसरत से अल्लाह से दुआ करने वाली थी। आप सूरह अंबिया अगर पढ़ के देखें, सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 18 अंबिया का तज़किरा किया है, और उन अंबिया का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नहुम कानू यदउनना रबहुम व रहमा, इन तमाम अंबिया की और खसूसियत थी कि ये हमें पुकारा करते थे, हमसे दुआ किया करते थे। अंबिया दुआ किया करते थे, मोमिन दुआ ना करें, मुसलमान दुआ ना करें, मैं और आप दुआ ना करें तो हमसे ज्यादा महरूम कौन हो सकता है, बदकिस्मत कौन हो सकता है। दुआ करो, अपने लिए दुआ करो, अपने घरवाल के लिए दुआ करो, अपने समाज और माशरे के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, इस पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए दुआ किया करो, कसरत से दुआ करो कि दुआ से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते। आपको पता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मरज लाइक हुआ कि सारा जिस्म सड़गल गया था, सारे जिस्म को पर ऐसी अल्लाह ताला ने आजमाइश मुसल्लत की थी, नबी थे लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी आजमाए गए तो ऐसे कि सारा जिस्म सड़गल गया, और इस हद तक कि सब लोगों ने साथ छोड़ दी, सबने साथ छोड़ दिया, बस्ती वाले साथ छोड़ गए, खानदान कबीले वाले घर वाले सब साथ छोड़ गए, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक तो सब्र किया और दूसरा बार बार अल्लाह ताला से दुआ यही करते रहे कि अल्लाह ताला इन्नी मस्सनिया दुर, अल्लाह ताला मुझे तकलीफ लायक हुई है और तू ही रहम करने वाला है, तू ही शिफा देने वाला, अल्लाह के सामने दुआ करते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे मर्ज को शिकस्त दी कि जिस मर्ज को दुनिया वालों ने लाइलाज समझ लिया था, जिस मर्ज के बाद सब लोगों ने पीछा छुड़ा लिया था, उनको छोड़ दिया था, ऐसे खतरनाक मर्ज को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकस्त दी तो अल्लाह से दुआ मांग कर शिकस्त दी। हम और आप भी दुआ मांगेंगे तो क्या अल्लाह ताला हम पे रहम नहीं करेगा? हम और आप मांगेंगे तो क्या अल्लाह ताला हम और आपको नहीं देगा? हम और आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं तो क्या इस मर्ज और इस होने वाले नुकसान से अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं करेगा? देने वाला तैयार बैठा है, सवाल ये कि हम लेने वाले किस हद तक उसके सामने आके गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं। भाइयों कसरत से दुआ करो, नबी अलैहिस्सलाम की सिखलाइयों की खास दुआएं भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरी बीमारियों से नजात पाने के लिए दुआ सिखलाई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी बीमारियों से नजात पाने के लिए दुआ सिखलाइए, कसरत से दुआ मांगे। और ये बात याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं की बड़ी फजीलत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर तुम में से कोई आदमी, अगर तुम में से कोई आदमी किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, कोई भी बीमार है उसकी इयादत के लिए जाता है, और उसके पास जाने के बाद 7 मरतबा अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियक, बस इतनी सी दुआ, अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियक, 7 मरतबा ये दुआ अगर किसी बीमार की इयादत के लिए जाने के बाद उसके सामने पड़ता है, अल्लाह के नबी ने कहा अगर उस बीमारी में उस बंदे की मौत नहीं लिखी होगी तो इस दुआ के बाद फौरन अल्लाह ताला उसको शिफा दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआएं सिखलाई। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ और आप इस हकीकत को याद रखें कि दुआ से आप अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, आप अपने नुकसान को शिकस्त दे सकते हैं, आप अपनी बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं, आप अपनी परेशानी से निकल के बाहर आ सकते हैं। तदबीर के साथ अल्लाह से कसरत से दुआ करने वाले हो जाए, मांगे अल्लाह ताला से। दुआ की हकीकत ही क्या है? दुआ की हकीकत बस इतनी सी है कि आदमी ये कहता है कि अल्लाह ताला
मैं कमजोर हूं, मैं आजिज हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने कर लिया, असबाब इख्तियार कर लिया, अब उसके बाद जो कुछ है वो तो तेरे हाथ में है, तू ही सब कुछ करने वाला, मैं अपने आप को तेरे हवाले करके तुझसे मांगता हूं कि तू मुझे शिफा दे ले, तू मेरी हिफाजत कर ले, तू मुझे मुश्किल से नजात दे दे, तू मुझे इस परेशानी से निकाल दे। ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को सरेंडर कर देने, अपने आप को झुका देने, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम है। और आप सोचो कितना अच्छा लगेगा आपको और मुझको जब हम और आप ये कहेंगे कि अल्लाह ताला तू ही सब कुछ करने वाला है, हमने जो करना था वो तो कर लिया, लेकिन करने के बाद खुद को तेरे हवाले कर दिया। अल्लाह ताला खुश होगा अगर मेरे और आप के हक में फैसला कर दे, इबादत का भी ऊंचा दर्जा भी गया और दुनिया के अंदर भी हम और आप सुरखुरु हो गए, कामयाब हो गए। हाजिर निगरानी, ये एक और बात है जिसकी तरफ मुझको और आपको तवज्जो देनी चाहिए, वो है हम दुआएं कसरत से किया करें। चौथी और आखिरी बात जो आज के इस खुतबे में मुझे आप हजरात के सामने जिक्र करनी है, भाइयों ये जो बीमारी आई, इस बीमारी में एहतियात के नाम पर मार्केट बंद की गई, एक मुद्दत तक मार्केट बंद रही, उसके बाद मार्केट खुली भी तो कभी चल रही है कभी बंद हो रही है, अजीब सूरत हाल मैदान की है। इसके नतीजे में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज सड़कों में निकल के तिजारत करते हैं और कमा कर खाते थे, लेकिन इस बीमारी की वजह से और बीमारी के बाद जैसे हालात हुए उन हालात की वजह से ये सूरत हाल है कि बहुत सारे लोगों के घर में आज निवाला नहीं रह गया है। ये समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है कि कल तक जो दूसरों को खिलाया करते थे आज वो लोग मोहताज हो गए। आज ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में खाने के लिए खाना नहीं, उनके बच्चों की जरूरतों के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे मौके पर भाइयों ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पास पड़ोस के घरानों का ख्याल रखें। इंतजार इसका न करें कि कोई आपके दरवाजे तक चल कर आए। याद रखो भाइयों, हर जरूरतमंद अपनी जरूरत का इजहार नहीं कर सकता, हर आदमी मांगने वाला नहीं हुआ करता, हर आदमी आपके दरवाजे तक आकर दस्तक नहीं दे सकता, अपना हाथ नहीं फैलाता, अपना दामन नहीं फैलाता। इस्लामी शरीयत मुझको और आपको यह कहती है कि जब खर्च करने की बात आती है तो याद रखो कुछ वो लोग भी होते हैं चेहरे से बेनियाज नजर आते हैं लेकिन अंदर से बड़े मोहताज और जरूरतमंद हुआ करते हैं। हर आदमी अपने पड़ोस में, अपने खानदान कबीले में, अपने मिलने मिलाने वाले मुताल्लिकीन में इसका पता लगा है कि कौन बेरोजगार हो गया है, किसके घर में खाने पीने की तकलीफ है, किसके घर में क्या सूरत हाल है। इस मुश्किल सूरत हाल में हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम और आप वाकई मानों में एक अच्छे मुसलमान कहलाएंगे। सही मुस्लिम के अंदर एक वाक्य ये नकल किया नबी अली सलाम को सलाम हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग बैठे हुए थे, सुबह का वक्त था, एक कबीले मुजर के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हालत ये थी कि ना नींद ओढ़िया है यानी कपड़े उनके पूरे पूरे कपड़े नहीं, जो कुछ फटी पुरानी चादरें हैं वही लपेटे हुए हैं, चेहरे सूखे हुए हैं भूख और प्यास की वजह से। वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए आते हुए उनकी जाहिर हालत इस कदर ज्यादा खस्ता है, इस कदर ज्यादा वो भूख और प्यास के मारे हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा, उनकी हालत देखी तो आपका चेहरा बदल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदलने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दिलाई कि अल्लाह की राह में खर्च करो, इस वक्त जरूरतमंद तक पहुंचे हुए खर्च करो। याद रखो ये कोई भीख मांगने वालों का काफिला नहीं था, वो अल्लाह के नबी के पास वक्त की शक्ल में आए थे, लेकिन उनकी जाहिरी हालत ऐसी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए खड़े होकर आपने खुतबा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने के बाद सबसे पहले एक सहाबी अपने हाथों में कुछ पैसा लेकर कुछ लेकर आए और लाकर अल्लाह के नबी के सामने डाल दिया और उनकी देखा देखी सहाबा ने अल्लाह की राह में देना शुरू किया, यहां तक कि दो ढेर जमा हो गए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरी रिवायत करते हुए कहते हैं, अल्लाह के नबी का जो चेहरा बिगड़ गया था, परेशान हो गए थे, मैंने देखा मस्जिद खत्म होते होते अल्लाह के नबी का चेहरा इस कदर खिल गया, ऐसे लगता था जैसे सोने का पानी पिलाया गया हो, अल्लाह के नबी का चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरे भाइयों, इस वक्त आपको सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। तराशो अपने पड़ोस में, अपने मिलने मिलाने वालों में, अपने भाइयों में, अपने बंदों में, रिश्तों में, अपने नातों में तराश करो, कौन जरूरतमंद है, उनके घर खाने पीने का इंतजाम करो, उनके हाथ कुछ पैसा दे दिया करो, उनके घर भी दूध की जरूरत होती है, उनके घर भी छोटे मोटे खर्चों आजाद की जरूरत होती है। ये वक्त है आखिरत कमाने का। भाइयों, क्या फायदा, आपने पैसा जमा करके रखा, आप तो सुन ही रहे कितनी खबरें, कल परसों दो चार दिन के अंदर कितनी खबरें आपके बस्ती मोहल्ले की है, दो दिन भी आदमी नहीं रहा, परसों अच्छा था बुखार आया, दो दिन के अंदर आदमी खत्म हो गया। क्या फायदा इसे दुनिया जमा करके रखने का, जो इंसानों के काम ना है, लोगों की जरूरतों के काम ना है, उससे तो अच्छा है कि जो कुछ है अल्लाह की दी हुई जिंदगी में दे दिलाकर, खा खिलाकर, लोगों के काम आकर, लोगों की जरूरतों को पूरा करके हम इस दुनिया से चले जाए, ये बेहतर है इसके मुकाबले में कि हम अपना माल इकट्ठा करके रखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि माल जमा कर करके रखते हैं, यहसब अन मालहु अखलदा, और शायद ये समझते हैं कि उनका माल उनके हमेशा रहने की जमानत बन जाएगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। माल अगर तुमने जमा करके रखा, जरूरतों को, जरूरतमंदों की मदद नहीं की, तो ये माल तुम पर वबाल ही बनेगा, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। हाजिरी गिरानी, ये आखिरी बात मुझे आपके सामने आज याद दिलानी थी कि हम और आप इन हालात में, मुश्किल हालात में, बेरोजगारी की हालत में, जब लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, जब अपना कारोबार गंवा चुके हैं, जब अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, जब अपने रोज के निवाले के लिए परेशान है, ये जिम्मेदारी है हमारी और आपकी कि हम अपने पास पड़ोस की खबर में, रिश्ते नातों की खबर में, एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुश्किल से बाहर आने की कोशिश करें। हाजिरी गिरामी, आज के इस खुतबे में मैंने आप हजरात के सामने सिर्फ चार बातें, हालात का तकाजा है कि हम इन चार बातों की तरफ फौरी तवज्जो दें। पहली बात मैंने रखी कि याद रखो, इस्लामी शरीयत खुश और आपको यह सिखाती है कि असबाब को इख्तियार करना चाहिए। असबाब का इख्तियार करना इबादत है, लेकिन असबाब पे भरोसा कर लेना ये शिर्क हो जाता है। इसलिए तवक्कुल अल्लाह पे रखो, लेकिन असबाब पूरे पूरे इख्तियार करो। दूसरी बात, अपने गुनाहों से कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। तीसरी बात, अल्लाह के सामने दुआ करो कि मोमिन दुआ से हर तरह की मुश्किलात का मुकाबला कर सकता है, दुआ के जरिए हर किस्म के हालात को शिकस्त दे सकता है। और चौथी और आखिरी बात मैंने कही कि ये वक्त है कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के मददगार बने, ये आज एक दूसरे के काम आकर लोगों के दिल जीतने और अल्लाह ताला के पास बुलंद दर्जात कमाने का वक्त है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को जो बातें कहीं सुनी गई हैं, कहने और सुनने से ज्यादा इनको समझ कर इन पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस बीमारी के शर से हम सबको महफूज रखे। इसकी वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, हम सबको अल्लाह ताला उन नुकसान से भी महफूज रखे। जो लोग इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। और जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने मौत लिखी थी, इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनकी गुनाहों के लिए इस बीमारी को कफारा बना दे। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, सबको जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपके मुश्किल हालात में इस्लामी शरीयत की तालीमात की पाबंदी करते हुए अपने आप को मुश्किल हालात से निकाल ले जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का जिम्मेदार हो जाए, हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की मगफिरत फरमाए, हमारे गुनाहों की सजा की बीमारी की उनकी शक्ल में हमको न दे, अपने आप को गर्म से हम सबको अल्लाह ताला माला माल कर दे। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए ईमान की हालत में बुलाए। आमीन। आखिर दुआ الحمد لله رب العالمين